विद्या साथियों, आज हम कुशीनगर में आए हुए हैं। यहाँ पर आज 13 फरवरी 2021 है। आज यहाँ पर प्रवज्जा का कार्यक्रम है। इस प्रवज्जा कार्यक्रम में हम लोग, हमारे साथी और भी आए हैं। तो यहाँ पर गुरु भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो जी से कुछ जानकारी लेते हैं, जो कुशीनगर के भिक्षु संघ के अध्यक्ष हैं। यहाँ पर हम इनसे कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं इस प्रवज्जा कार्यक्रम के बारे में। बंदा महंत जी, चौकी बाबू, आज 13 फरवरी है, आपके यहाँ कुशीनगर में प्रवज्जा का कार्यक्रम आज निर्धारित समय के अनुसार किया गया है और ये 7 दिवसीय, हाँ 7 दिन का है। तो 20 तारीख को समापन होगा, 20 फरवरी को। तो आज इस प्रवज्जा कार्यक्रम में कितने लोग चीवर धारण किए हैं, कुछ अनुमानित बताइए और कुछ धम के बारे में भी बताइए। अनुमानित नहीं है, कुल मिला के जो पुरुष संख्या 135 आदमी और महिलाओं की संख्या 68 करीब है, बहुत ज़्यादा इस बार। अच्छा, कोरोना के कारण इस वर्ष ज़्यादा नहीं है? कोरोना के कारण नहीं है। अभी आपको नहीं जाता, अभी यहाँ एक तरफ दबाव डालता है, दबाव फुटबॉल दिखा पर फुटबॉल को थोड़ा मारेगा थोड़ा उछलता है, और थोड़ा ज़्यादा मारेगा तो ज़्यादा घुसा, और जोर से मारेगा तो जोर से घुसाता है। वैसे ही है यहाँ हिंदुस्तान का, हमारा बौद्ध धर्म तो ब्लू अल्पसंख्या है, अल्पसंख्या दबाते दबाते वही जो कुछ करेगा करेगा। अयोध्या में जो खुदाई हुआ, खुदाई होने का इतना बौद्ध मूर्ति मिला, बौद्ध मूर्ति मिलने के बाद भी सब तोड़ फोड़ दिया सब। उसके बाद जो मिला तो हम लोग देना चाहिए, अगर नहीं रखेगा नहीं पूजा करेगा तो पूजा करने वालों को देना चाहिए, उसको म्यूजियम बनाना चाहिए। आर्कियोलॉजी का डिपार्टमेंट भी वैसे ही है और जो सरकार भी वैसे ही, क्या करेगा अब तो वही उसी को देख के जो दबाव होता है तो दबाव के कारण ही आता है। आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पहले बोर्डर से बहुत हो रहा था, अभी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अलावा ओबीसी का लोग बहुत हो रहा। अभी आपके पिछले साल 31 मार्च को बड़ौदा में हुआ था, कम से कम 10 लाख आदमी जो संचालन करने वाले लड़की है, लड़की 25-30 वर्ष का लड़की है, संचालन किया बहुत अच्छा हुआ। अभी भोपाल में हुआ था, भोपाल में जो कम है करीब 1 लाख आदमी करीब है, तो फिर 1 लाख आदमी होने के बाद चाहता तो ये है हम प्रचार करें, धर्म प्रचार करें, पर्यटन को विकास करें, लेकिन पैसा मांगने से विकास होगा या कुशीनगर में अगर हम लोग नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएगा। बर्मा का मंदिर, थाई का मंदिर, लाओस का मंदिर, कंबोडिया का मंदिर, चाइना मंदिर नहीं रहेगा तो कोई नहीं आएगा यहाँ। तो हम लोग तो अपना बुलाएगा, अरे भाई हमारा भगवान बुद्ध का जगह है, भगवान बुद्ध का निर्माण प्राप्त होने का जगह है, आओ आओ तो आता है, इस तरह लोग विकास करता है। इसलिए अभी जो आप पूछ रहा था, आदमी का संख्या इतना बढ़ गया, अभी बुद्ध संख्या अभी 23 तारीख को 24 तारीख को ग्वालियर में होने वाला है, वहाँ भी बता रहा था 10 लाख आदमी करीब है। उसके बाद बॉम्बे में होने वाला है, वैसे बहुत लोग हो रहा है। अभी जो होने वाला लोग हो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का नहीं, जो ओबीसी का ज़्यादा है, ओबीसी का ज़्यादा है। जो जौनपुर का एक वकील है, उनका नाम है ओम प्रकाश है। अरे हम तो पटेल लिख रहे थे, ठीक हो गया, उसके बाद ओम को हटा दिया, ओम हिंदू शब्द नहीं करेगा, प्रकाश ठीक है। आगरा का एक आदमी है, क्या नाम है, प्रेम प्रकाश, ओम प्रकाश प्रेम प्रकाश दोनों मिलकर खूब अच्छा काम कर रहा है। वैसे तमाम जगह में ये हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो हमारा कुशीनगर में पिछले साल तो करीब 30 आदमी करीब हुआ था, पुरुष 30 आदमी और 10-15 आदमी हुआ, उसका बिल्कुल दोगुना आधा अधिक ज़्यादा हुआ। तो ऐसे ही बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा वहीं। और गुरु जी, अभी आपको 27 जनवरी 2021 को
म्यांमार दूतावास नई दिल्ली में आपको अभिध्वजा महारथा गुरु सम्मान से सम्मानित किया गया है। वहाँ के सरकार ने आपको सम्मानित किया है, तो आप उस पर क्या महसूस उस समय किए हैं, उस पर भी आप कुछ चर्चा कीजिए। न घर का न घट का, न घर का न घट का एक कहावत है। हम बर्मासी 1863 को तीसरा आने वाले काम करते करते गुरु जी को सेवा किया या कुछ नहीं था पहले। अभी देखो अब जितना भी कुछ ना विकास हो रहा है, बर्मे मंदिर हो, थाई मंदिर हो, कोरिया मंदिर हो, जितना भी आओ जल्दी आओ हमारे यहाँ दर्शन करने आओ, तो मरा देश का लोग बुला लिया तो ऐसे भर गया आदमी। उसके बाद बौद्ध गया मैनेजमेंट कॉमिटी में, हम 1990 से शुरू किया 2018 तक काफ़ी बढ़ गया। तो वहाँ का जो काम करते करते हुए वहाँ भी बौद्ध गया मंदिर में जितना भी जो दान वगैरह भेजता है सब उल्टा सीधा हो रहा है। तो धीरे धीरे काम थ्रू करते करते बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, जो अपना निस्वार्थ सेवा करेगा तो उसे फल मिलता है। यहाँ भी उसे गुरु जी को सेवा किया, सेवा करने पर करते करते जो हम यहाँ का नागरिक बना, नागरिक बनाने के बाद नागरिक बन गया तो बर्मा में भी बहुत जाट है, हम लोग कम संख्या अल्पसंख्या वाला है। ठीक है, अल्पसंख्या वाला, लेकिन हमारा बिरादरी बूढ़ी तेज बहुत बहुत बूढ़ी तेज है। अंग्रेज बना भी अधिकारी वगैरह सब हमारा लोग है, नागरिक का दमपाल को ले आए यहाँ। तो हम लोग बर्मी लोग से संबंध थोड़ा अलग है, इधर पश्चिम तरफ हो। पश्चिम तरफ होने से नौकरी होने वाला भी बर्मा में जाकर नौकरी नहीं करता है, हिंदुस्तान बर्मा एक ही था उस टाइम में, इधर आता है। नागरिक का दमपाल को जो जो बोले गया मारपीट हुआ, नागरिक दमपाल ईसाई था पहले, भारतवर्ष में आया, आने के बाद ये तो सब गड़बड़ है। धर्म एक धर्म ऐसे ही दबाया जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी है लेख है सब चीज़ उल्टा सीधा सड़क में सिर में रखा है। अरे तुम लोग क्यों किया ऐसे, तो मारा मारी हुआ खूब मारा मारी होने पर खींच के लिए आगे, जो बौद्ध गया महंत कुटी से खींच के लिए आगे बौद्ध गया मंदिर के पास रखा, तो देखा है मारा पीटा खुटा पेपर में आ गया। तो वही हमारा वही लोग आके किया, देखो बाबा जी उधर बाबा जी हैं, चलो हमारे देश में चलो। तो बर्मा ले गया, बर्मा में पढ़े लिखे हुआ होने के बाद फिर वापस आया। उस टाइम में जो हमारा गुरु जी को भी लाया था नागरिका धर्मपाल ने बर्मा से लाया, उसके बाद यहाँ ठीक ठाक किया तो प्रचार किया, प्रचार में कुछ नगर के साथ आउट भी बिल्कुल 1891 को शुरू किया था ये कुशीनगर। 1891 पहले, 1891 के पहले आपका 1880 1876 को खोला गया, 1880 को खिजारी बाबू आया। खिजारी बाबू आने के बाद अब बुलाते बुलाते लो अस्टूबा बर्मिलो बनाया, माठा गुआ मंदिर बर्मिलो बनाया। अभी देखा इतना बड़ा वाला मंदिर देखा होगा, अब ये कौन बनाया, आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट का बनाया, आर्कोलॉजी का डिपार्टमेंट का लोग बनाए कह रहा है लोग। लेकिन बाबा साहब का कानून बन चुका है, बाबा साहब का कानून बनने के बाद छोटा सा समाधि को भी तोड़ नहीं सकता है, छोटा का दीवार को भी तोड़ नहीं सकता है, मंदिर को तो छोड़ दो क्या करेगा। तो बर्मा में 1954 से 1956 तक जो संगीति हुआ, छठ संगीति हुआ, उस टाइम में खूब हो हल्ला हो रहा बट्टा वर्मा में प्रचार, देश विदेश का लोग खूब आने लगा। तो यहाँ का प्रधानमंत्री नेहरू जी ने बर्मा का प्रधानमंत्री उनसे पूछा, अरे भाई वोट में ले लो 5 आदमी, नेहरू जी, चौहानलाल, सुकानो, उंडू और नासिर, 5 वोट मिलता, अरे तुम्हारे देश में खूब अच्छा हो रहा है तो क्या करें, हम लोग सहयोग क्या कर सकता है, बोझ तो हमारे देश का है। तो उन्नू जी ने कहा, अरे भाई हम लोग 2500 जयंती मना रहा है, ये ख़त्म होने हुआ तुम्हारा देश में बहुत लोग आएगा, इसलिए तुम्हारा देश में आने से गर्मी का टाइम है, मंदिर वगैरह में जो रहने का जगह में पंखा लगाओ, बोला। तब सोचा है गुरुजी ने, उन्नू जी ने गुरु से पूछा, गुरुजी नेहरू जी ने ऐसे से पूछा था क्या करना चाहिए, तो गुरुजी ने राय दिया, ये मंदिर है छोटा मंदिर है, अंदर घुसेगा तो आप तो दिखा नहीं, अंदर घुसेगा तो मूर्ति के अलावा
इधर को दो हाथ है, इधर को दो हाथ है, इधर को दो हाथ है, इधर दो हाथ है, अधिक से अधिक घुसेगा तो 10 आदमी मंदिर के अंदर में। इसको थोड़ा चौड़ा करना चाहिए, तोड़ नहीं सकता है, चौड़ा करना चाहिए। नियम से तो तोड़ना फोड़ना तो मुश्किल है, इसे पुनरुद्धार करेगा। पुनरुद्धार करेगा बोले नेहरू जी, उनु जी, वर्मा का प्रधानमंत्री गुरु जी सब मिलकर बनाया गया, एक कमेटी बना के बनाया गया था। उस टाइम से जो आना जाना शुरू किया तो हम आने का टाइम वैसे हुआ, आने के बाद यहाँ नागरी बन गया, तो नागरी बनने के बाद बर्मी लोग थोड़ा नाराज हो गया, अरे बर्मी हो गए, हिंदुस्तान का नागरिक हो गया, तो बन तो गया। आपके जो उग्र सिंह प्रताप सिंह ने बर्मा का छोटा भाई, हमको छोटा भाई बोलता था, छोटा भाई अरे बर्मा में रहेगा तो साधु, हिंदुस्तान में रहेगा तो साधु है, हिंदुस्तान का साधु बना दो, नागरी बना दो। तो नागरी बनाया गया, नागरी बनाने के बाद उपेक्षा उपेक्षा करने के बाद 1963 से 1990 तक बेलगू सहयोग बंद। उसके बाद हम 1981 को एक मीटिंग बनाया गया था, 1981 को एक मीटिंग विश्व बुद्ध सम्मेलन 8 दिन का लो आया, कुछ न बहुत बड़ा मेला लगा, दलाई लामा आया, दलाई लामा जिस रोज आया उस दिन में 3 लाख आदमी के जुटा था। तो आके वापस चला गया, वापस जाने के बाद उस टाइम गुरु जी का एक वर्मा का एक गुरु जी आया था, गुरु जी ने खूब प्रचार किया, अरे ये तो हिंदुस्तान बैठा चुपचाप नहीं बैठा, बहुत कम करने वाला है। तो राजू को भी कहा, राजू की रिपोर्ट पर हमको अगम उपाधि दिया था 1993 को, 1993 उपाधि देने के बाद हम तो नागरिक हो गया, हमको क्या होगा पता नहीं, मन में शंका भी था। वहाँ चला गया तो वहाँ इंटरव्यू हुआ, उस टाइम एक कैमरा तक नहीं हमारे पास में, इतना गरीब एक कैमरा तक नहीं है, लेकिन बिना कैमरा का हमारा प्रचार हो गया। बॉम्बे का एक बाबा जी है पंडित जी, बॉम्बे का पंडित जी, अरे ये तुम्हारा चिवर कहाँ से मिला है, तो ऐसे काम कैसे किया, अरे कुशीनगर पंडित ने हमको दिया, ये दिया वो दिया, ये सहयोग किया, तो अपने आप नाम हो गया। वही नाम होने के उस टाइम में बर्मी सरकार ने हमको $10,000 दिया, $10,000 का मतलब 1 लाख रुपया का बराबर है। तो बर्मी लोगों ने 520 लाख रुपये दिया, सामान खाने पीने का कपड़ा तो बहुत है, इसके अलावा 520 लाख रुपये दिया। 520 लाख मामूली नहीं है, तो यहाँ ले आएगा तो मांगेगा वो दे दे ये दे सब खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने वहाँ एक कमेटी बनाई, कमेटी में रुपया रख दिया, 10 लाख रुपया लाए थे। उसके बाद यहाँ स्टूबा बनेगा, पहले तो सोचा बोडीगाम बनेगा, लेकिन बोडीगाम में जमीन नहीं मिला, तो यहाँ आया, नाप के देखा तो 100 फीट 108 फीट ऊँचा बनाया गया। बनाने के बाद उस टाइम में जो जो नम हो गया, फिर 1993 को ये स्टूबा बनना शुरू किया। ठीक है, आज सोचते सोचते करते करते 2000 को 21 फरवरी को तैयार हुआ ये स्टूबा, 21 को तैयार हुआ। तैयार होने के बाद और भी शुरू किया, 2005 को और दूसरा उपाधि मिला, उसके बाद 2016 को फिर तीसरा उपाधि मिला, अभी चौथा उपाधि। लेकिन पहले उपाधि मिलने के बाद इतना मुश्किल है, खाली विरोध ही विरोध है। 10 रुपया खर्च करने वाला 100 रुपया खर्च, ये स्टूबा में बहुत खर्चा हुआ। उसके बाद हम थोड़ा खीन हो गया, भाई हम करने से तो कोई बात नहीं, यह करने से खरे वर्णम है, अपना आदेश में करेगा, अपना आदेश परमा का जन्म है, अपना आदेश में करेगा। वही जो लोग मान जन किया, जैसे 100 रुपया खर्च करेगा, ठीक है 100 रुपया खर्च करेगा तो 1,000 रुपया वो वहाँ से दिया, यहाँ से दिया। जब वहाँ गुरुजी के गांव में जाने के रास्ते में एक पुल एक बनाया, हमारा गाँव जाने के रास्ते में 4.5 माइल का एक रास्ता बनाया। उसके बाद रंगून में एक मकान बनाया, उसके बाद गाड़ी का 3-4 गाड़ी दिया, ऐसे बहुत हुआ। वो स्टूपा में दिया, ये स्टूपा में बहुत। उसके बाद 2018 को तीसरा उपाधि मिला, ये अभी आप बैठा है, ये भी है, कोरिया में एक स्टूपा बनाया गया। उसके बाद बर्मा में जो हमारे जन्म स्थान में एक स्टूपा है, उसी स्टूपा में 2 टंकी पानी टंकी बनाया। उसके बाद एक जगह में एक का नाम है लिफ्ट एटो बनाया, ऐसा बोर्ड बनाया गया। अभी इसे अभी मिलेगा, अगर हम रंगों नहीं जा पाएगा, रंगों नहीं जा पाएगा तो 5 लाख रुपया निश्चित है दिल्ली में देगा। ठीक है,
अगर बर्मा जाएगा तो करोड़पति हो जाए, करोड़पति तो सब कुछ कर सकता है। ऐसे बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को भी, राजदूत को भी, सबको। देखिए राजदूत जो है वही बर्मी सरकार अभी उपाधि दिया है कि वो अनव से हाथ में उपाधि नहीं मिला अभी, लेकिन बर्मा में बहुत गड़बड़ है अभी। गड़बड़ होने से जो जाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, जाने को मिलेगा तो बहुत कुछ हो सकता है। चलिए सर,